हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी, जिन स्टूडेंट्स के वीज़े वगैरह नहीं आ रहे हैं उनके पीछे क्या वजह है बेसिकली और क्यों नहीं आ रहे। मैं भी बात स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जिन्होंने वीज़ा अभी अप्लाई किया हुआ था 2020 फेब के लिए, इनटेक के लिए, तो उनका अभी तक वीज़ा नहीं मिला, तो उनके लिए जो अभी कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उनको फ़ीस रिफ़ंड करेगी या क्या करेगी, मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये गाइस, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ने जो पैसा दिया हुआ है वो आपको जो है ना मतलब कि आपको नुकसान नहीं होगा, वो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह जो है ना वो आपका पैसा नहीं मारेगी। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो अभी तक अब आप वेट में कर रहे हैं तो बेसिकली देखें, टाइम तो ऊपर हो चुका है। आपकी जो कमेंसमेंट डेट थी, बेसिकली इनटेक की डेट वगैरह थी, जो आपके कैस्ट लेटर पे या एडमिशन लेटर पे जो आपकी मेंशन है वो 6 फरवरी है। तो 6 फरवरी को आपने यहाँ पे आना था मेरे ख्याल में, या फिर आपको आपकी जो है ना नेक्स्ट मंथ भी हो सकती है, क्योंकि 2016 की या 2017 में कुछ लड़कों के जो वीज़े वगैरह डिले हो गए थे। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा जो वीज़ा लगा था, मेरी जो कमेंसमेंट डेट थी वो 6 फरवरी थी, लेकिन मुझे जो वीज़ा मिला था वो 9 फेब को जाके मिला था। तो 9 फेब को मेरा वीज़ा प्रिंट हुआ था, तो मैं 26 फेब को यहाँ पर आया था। तो मैंने नेक्स्ट मंथ जाके जो है ना मीन के फेब के बाद मैंने थर्ड मंथ में जाके क्लासेस स्टार्ट की थी। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये न्यूज़ ज़रा जो मैं आपको शो कराना चाह रहा था, ये न्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, ये पुरानी न्यूज़ ही है बेसिकली, लेकिन इनमें कॉलेजेस वगैरह ने अभी तक भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है अपना जो है ना, उन्होंने क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि यार हमने बहुत से स्टूडेंट को इनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे पैसे ले चुके हैं, ठीक है। तो कॉलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ठीक है, 50+ कॉलेज हैं, 45 उन्होंने मेंशन किए हैं, 50 तक कॉलेजेस वगैरह हैं। तो बेसिकली जो अभी इनका जो प्लान चल रहा है वो अप्लाई ज़रूर होगा, ठीक है। तो अप्लाई इस तरह नहीं होगा कि यार आपने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर किसी का डिले हो भी जाता है वीज़ा, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पैसे एक तो कॉलेज नहीं खाएगा, आपके पैसे नहीं मारेंगे इस सूरत में, और सेकंड पे आपको कॉलेज लाजमी सेकंड सेमेस्टर में ज़रूर लेगा, क्योंकि उसने आपसे पैसे लिए हुए हैं, आपका सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो आपको इनरोल, अगर इस सिस्टम में आप नहीं आ सके, यानी जो लिमिट्स अगर अप्लाई होती हैं, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रूल्स अप्लाई कर दिया है, सब कॉलेज वगैरह को इशू जो है ना कर दिया रिपोर्ट वगैरह, या उनको पर बता दिया गया कि यार आपने जो है ना स्टूडेंट वगैरह जो है ना लिमिटेड लेने हैं या कितने थाउजेंड तक स्टूडेंट लेने हैं। ये जो चीज़ है ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अभी तक इशू चल रहा है। आप देखें, कॉलेज के हाथ में नहीं है कि आपका वीज़ा इशू करवाना, वो इमिग्रेशन वगैरह से, वो एक आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन है, ठीक है, वहाँ से वीज़े इशू होते हैं। लेकिन कॉलेज पुश ज़रूर कर सकता है और कॉलेज अपनी जगह पे ज़रूर लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आप तसल्ली रखें, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पे ये बता दूँ कि यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं और ये एक किस्म का बिज़नेस है, ठीक है, स्टूडेंट वहाँ यहाँ पर लाना ये बिज़नेस है। तो कॉलेज कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट जिनसे हम पैसा कमाते हैं तो उनको वीज़ा ना इशू हो, क्योंकि जब आप इधर आएंगे तभी कॉलेज वगैरह को प्रॉफिट वगैरह होता है, ठीक है, हर लिहाज से। और सेकंड पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मेरी पहली लास्ट वीडियो अगर आपको आपने देखी होगी, आपने सुनी होगी, मैंने उसमें बताया था कि ये जो कंट्री है टूरिस्ट कंट्री है, ठीक है, इसका जो इनकम सोर्स है वो या तो टूरिस्ट से है या फिर स्टूडेंट से है। स्टूडेंट से इनको सॉलिड अमाउंट मिलती है, ठीक है, जो नॉन यूरोपियन कंट्री से उठा लेते हैं, और टूरिस्ट में तो वो भी इनको प्रॉपर मिलती है। लेकिन अगर इस हवाले से मैं अगर बात करूँ कि क्या होगा आपके साथ, तो फाइनल ये कहूँगा कि पहली बात है आपके वीज़े डिले ज़रूर होंगे, ठीक है, आपको 9 फेब तक जो नॉर्मल डिले है वो होता है नॉर्मली, ठीक है, इसके अलावा अगर डिले होता है तो फेब के बाद तकरीबन फेब 25 तक भी हो सकता है, ठीक है। जो आपकी इनटेक वगैरह स्टार्ट वगैरह होंगी वो थर्ड जो है ना मंथ में स्टार्ट हो जाएंगी, आपने कॉलेज वगैरह में आना होगा, तो उसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉलेज को फ़ीस सेंड कर दी है, जो कुछ भी हो चुका है, आपके इंटरव्यू वगैरह हो चुका है। तो अगर इन केस अगर आपका वीज़ा डिले होता भी है या आपको जो है ना कुछ रिजेक्शन लेटर वगैरह देते भी हैं,
तो फिर भी वो आपको ना मोस्टली कॉलेज ये कह रहेगा कि आपको ना बता देगा कि हम आपको जुलाई में ले लेंगे, जुलाई इनटेक में, ठीक है, समर इनटेक वगैरह में या विंटर इनटेक वगैरह में नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि हमारा कोटा वगैरह पूरा हो जाएगा। अभी तक मैं फाइनली मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट ऐसी कोई नहीं आई है कि गवर्नमेंट ने ये फोर्सली अप्लाई कर चुके हैं रूल, जो उन्होंने रूल्स निकाला था लिमिट्स का, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अगर अप्लाई होता भी है तो देख लें कॉलेज वगैरह सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। कॉलेज वगैरह जो है ना वो अपनी फ़ीस हाई करेंगे सेकंड पे, फीस के साथ साथ हाई करने के साथ साथ उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपके लिए जो है ना कंपलसरी कर देना है कि आइल्स का टेस्ट वगैरह, ठीक है, आइल्स की जो है ना वो स्कोर वगैरह आपको चाहिए होगा, आइल्स टेस्ट कंपलसरी हो जाएगा। तो इस तरह की वो लिमिटेशन वगैरह भी लगाएंगे और साथ में कॉलेज वगैरह भी ना फीस हाई कर देंगे ताकि वो पैसे ज़्यादा कमा सकें। जो जहाँ पे देखें अभी कॉलेज वगैरह जो उनका कोटा वगैरह होता है, जो पैसे कमाने का तरीका होता है, जो बिज़नेस है उनका, वो पर ईयर जो भी है, अगर लेट्स सपोज जो ना 1 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने फिर वो 300 स्टूडेंट से या 400 स्टूडेंट से एक सेमेस्टर में एनरोलमेंट या एक सब्जेक्ट में एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उनसे भी उतना ही पैसा कमाना होगा, तो इसलिए फीसेज वगैरह हाई हो जाएंगी। तो बाकी जो है मैं अभी एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें भी ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्यूजी के बारे में क्या हो रहा है, वो क्लोज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप लोगों को ये न्यूज़ बता सकूँ, ताकि कॉलेज वगैरह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, बेसिकली ये कोई भी अथेंटिक नहीं है, बेसिकली ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कॉलेज वगैरह के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं, वो यही कह रहे हैं अभी तक यही हाल है हमारे पास, तो यही करेंगे हम, ठीक है। तो अभी देख लें, ये मेरे पास है सामने जो पुरानी न्यूज़ आ रही थी, ठीक है, आपने विजिट भी कर सकते हैं साइप्रस मेल डॉट कॉम पे, ठीक है, वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं। बेसिकली ये स्क्रीन वगैरह रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि आज तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ, ताकि आपको समझा सकूँ यार क्या हो रहा है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो कुछ भी अगर अपडेट आती है, अगर उसका रिएक्शन वगैरह आता है, अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती भी है, अगर लिमिटेशन लगाती भी है, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपडेट करूँगा, आपको अपडेट करूँगा। लेकिन अभी तक अपडेट आ चुकी है रिफ्यूजी के बारे में, ठीक है, रिफ्यूजी की क्लोज हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसका सिस्टम क्या अप्लाई हुआ है, उसके लिए उन्होंने बिल वगैरह दे दिया है, अभी पास नहीं हुआ, तो वो भी मैं अपनी नई वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।